आज हमने बनाई है क्रीमी फ्रूट चाट। ये बहुत मज़े की और बहुत सिंपल और जल्दी बनाई है हमने, और बहुत सिंपल चीज़ों से बनाई है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है और इसमें कौन कौन से फ्रूट शामिल किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्रीमी फ्रूट चाट, बहुत मज़े की, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली है। इसके लिए हमने लिए अंगूर, केला, अमरूद और सेब। ये सारे मेरे पास जो अवेलेबल फ्रूट थे वो है, आपके पास इसके अलावा जो भी फ्रूट हो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बॉयल चने भी शामिल कर सकते हैं, खजूरें भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम ये नहीं है, मैं बस इन्हीं की बहुत मज़ेदार और जल्द बनने वाली फ्रूट चाट बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं काटती हूँ अंगूर, हमने कर लिए। इसके साथ ही हम इसमें केला शामिल करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास अमरूद है, उसको बारीक बारीक काट लेते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी या ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगे। इसके साथ हम सब छीन लेते पहले मैं सेब सारे छील लेती हूँ, बाद में काटूँगी इसको। ये मीठी फ्रूट चाट है, यानी कि इसमें हम कोई चाट मसाला या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे। बाद लोग इसमें शामिल करके उसमें चने वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम क्योंकि मीठी फ्रूट चाट बनाएंगे इसमें नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने ये सारे फ्रूट्स पहले धो लिए। सेब मैंने सारे छील लिए, अब इनको हम बारीक बारीक काटते थे। मैं बस नॉर्मल काटूंगी, ज़्यादा बारीक नहीं।
अब हम इसमें तकरीबन हमने 1.5 चम्मच चीनी शामिल की है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। साथ ही में इसमें अपने फ्रूट क्रीम शामिल करते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। देखिए हमारी क्रीम चाट कितनी फ्रूट चाट कितनी मज़े की तैयार हुई है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े की, बहुत इजी और बहुत सिंपल रेसिपी के साथ तुरंत एक चीज़ें शामिल की हमने। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।